बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेक टू पाकिस्तान की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ हाल ही में ट्विटर पर चलने वाले एक वतन दोस्त ट्रेंड के बारे में आगाह करने जा रहे हैं और फिर हम चंद शानदार मेड इन पाकिस्तान मसनूआत को आपसे मुतारिफ करवाएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। यूं तो हम में से हर पाकिस्तानी इंपोर्टेड चीजों का दीवाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी अशिया हैं जो हमारे यहाँ सारी दुनिया से बेहतर बनती हैं? जी हाँ, सियालकोट के फुटबॉल्स। दुनिया भर के बेहतरीन फुटबॉल्स हमारे सियालकोट में बनते हैं। यही पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। वजीराबाद में बनने वाली कटहरी, चम्मच, कांटे, छुरिया दुनिया भर में अपना सानी नहीं रखते। फैसलाबाद में बनने वाला कपड़ा इतना मयारी है कि दुनिया के किसी भी बेहतरीन फैब्रिक के मुकाबले पे इसे पेश किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी सालाना इम्पोर्ट जानते हैं कितनी है? 72.04 बिलियन डॉलर्स, यानी हम सालाना अरबों रुपए अपनी जरूरियात और ताइशात की अशिया खरीदने के लिए दूसरे ममालिक को दे देते हैं। सवाल ये है कि क्या वो अशिया जो हम दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं हमारे यहाँ नहीं बनती? बिल्कुल बनती हैं, लेकिन अफसोसनाक अमल ये है कि हम खुद पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान अशिया से वाकिफ नहीं है। सबसे पहले कुछ बात हो जाए वतन अजीज की चंद ऐसी मसनूआत के हवाले से जिनमें कभी एक्सपोर्ट के हवाले से हमारा कोई सानी ही नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से आज हम वो मैदान दीगर ममालिक के लिए खाली छोड़ आए हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान चावल की एक्सपोर्ट में दुनिया भर में अव्वल दर्जे पे फाइज था। दुनिया भर में हमारे चावल का कोई सानी नहीं था, लेकिन बावजूद आज चावल की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान कहीं भी दिखाई नहीं देता। यही हाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। कभी हमारी टेक्सटाइल की मसनूआत दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन वतन अजीज में हुक्मरानों की बद इंतजामियों की बदौलत आने वाले लोड शेडिंग के तूफान ने इस इंडस्ट्री का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि हमारी ज्यादातर टेक्सटाइल की सनत बांग्लादेश मुंतकिल हो गई और आज टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है। हिशाम सरवर, जो फ्रीलांसिंग की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने हाल ही में ट्विटर पर एक ट्रेंड मेड इन पाकिस्तान के नाम से चलाया। ये ट्रेंड ट्विटर पर ठीक ठाक पहल का खेस साबित हुआ। बहुत से लोगों ने ये हैशटैग चलाया और ये ट्रेंड इतना मकबूल हुआ कि दराज जैसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट ने मेड इन पाकिस्तान के नाम से अलग से शॉपिंग का पेज बना लिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन सवाल ये है कि मेड इन पाकिस्तान अशिया बैन अक्वामी तो दरकिनार कौमी सतह पर भी कोई खास नाम पैदा नहीं कर पाती, इसकी क्या वजह है? वजह साफ जाहिर है, हमारी अशिया का कमतर मयार और मार्केटिंग की कमजोरी। ज्यादातर सार्फीन जो बुनियादी जरूरियात की अशिया के अलावा दीगर ग्रोसरी आइटम्स खरीदने की सकत रखते हैं, इनकी अव्वलीन तरजीह बेहतरीन जायका और बेहतरीन मयार होती है। लेकिन मेड इन पाकिस्तान मसनूआत के बारे में ज्यादातर ये राय पाई जाती है कि इनके पास मयार नहीं होता। आज आपको चंद मेड इन पाकिस्तान मसनूआत से मुतारिफ करवाते हैं और फिर सोचिएगा कि क्या ये अशिया मयार में किसी भी मल्टीनेशनल ब्रांड से कम है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में कोक पे पाबंदी लगी तो कई रंग बिरंग कोलास मार्केट में आ गए, लेकिन वो मयारी मसनूआत नहीं बना सके तो वक्त के साथ साथ सब खत्म हो गए। लेकिन कौमे ने मयार दिया और बरकरार भी रखा और आज कौमे कम अज कम 14 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के ड्रिंक्स बना रहा है। हिलाल ग्रुप कन्फेक्शनरीज के मैदान में पाकिस्तान का नंबर वन ब्रांड है। उन्होंने मयार दिया, खोपरा कैंडी, डिंग डोंग बबल, तुलसी, फ्रेश अप और अब केक्स के मैदान में हिलाल लोकल मार्केट का बेताज बादशाह है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गुल अहमद जो एक पाकिस्तानी ब्रांड है बेहतरीन मयार का फैब्रिक तख्लीक कर रहा है। कॉस्मेटिक की मार्केट में पाकिस्तानी कंपनीज बिल्कुल गैर मयारी अशिया बना रही हैं। अलबत्ता नेशनल फूड्स 250 से ज्यादा मसनूआत तख्लीक करते हैं। सूफी न सिर्फ बेहतरीन मयारी कुकिंग ऑयल और फ्रोजन फूड्स बना रही है, बल्कि पाकिस्तान में बनने वाला सबसे बेहतरीन वॉशिंग पाउडर भी सूफी की ही प्रोडक्ट है। इसी तरह गुजरावाला में मकामी सतह में बेहतरीन मयार के बर्तन, पंखे, वॉशिंग मशीन वगैरह बनते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ी तवज्जो से तलाश करें तो बेहतरीन पाकिस्तानी मेड अशिया की एक पूरी खेप हमें मिल जाएगी, लेकिन हम अपनी अशिया की मार्केटिंग इसी सतह की नहीं कर पाते।
जैसी मल्टीनेशनल फर्म्स करती हैं। एक मेडिकैम टूथपेस्ट की मिसाल ही ले लें, सब टूथपेस्ट के ब्रांड से गैर मियारी इश्तहार मेडिकैम का हुआ करता है, हालांकि मेडिकैम मियार के एतबार से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इस मैदान में दरपेश मुश्किल का सबसे पहला हल तो हमारी मुंतखब हुकूमतों के पास है। वक्त की अहम जरूरत है कि कोई भी हुकूमत हो अपने मुफादात से बालतर होकर मौजूदा सनतों के फरोग की राह में हायल मुश्किल को हल करे, साथ ही साथ नई सनतों के क्याम को भी फैसिलिटेट किया जाए। पाकिस्तानी ब्रांड्स ना सिर्फ अपनी अशिया का मियार बुलंद करें बल्कि अपनी मार्केटिंग पे भी मजीद फोकस करें। लेकिन क्या इस सबसे मेड इन पाकिस्तान मसनूआत कामयाब हो जाएंगी? हरगिज़ नहीं। इनकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा किरदार हम सार्फीन अदा कर सकते हैं। इम्पोर्टेड अशिया सिर्फ वो खरीदें जो आपको अपने यहाँ की वाकई गैर मियारी लगे, वरना एक मियारी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट के खरीदो फरोख में इजाफे से न सिर्फ हमारी लोकल इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद मिलेगी बल्कि मुल्की मईशियत की बेहतरी में मुफीद साबित होगा। अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र कीजिए। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। वतन अजीज का रोशन चेहरा देखने और अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करने की मजीद खूबसूरत वजूहत जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। अगले एपिसोड में किसी और अहम पाकिस्तानी शख्सियत या दिलकश तारीखी और तफरीही मुकाम के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह के बाद।